Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त सलेजा और आज फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है चिकन हांडी। तो चिकन हांडी बनाने का तरीका हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि चिकन हांडी में क्या क्या चीज़ें डलती हैं। और मुकम्मल अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद है कि आप चिकन हांडी बनाना भूलेंगे नहीं ये वीडियो देखकर। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कुकिंग विद काशिफ में खुश आमदीद। आज हम फिर एक यूनिक सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, रेस्टोरेंट कमर्शियल स्टाइल में ये रेसिपी है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। उसके लिए हमने सबसे पहले चिकन लिया है, चिकन बोनलेस हमने लिया है 3 kg, और ओनियन लिए हमने 1/2 kg, और टमाटो लिए 400 ग्राम, ठीक है, 1/2 kg से थोड़ा सा कम है, 400 ग्राम यानी कि 100 ग्राम कम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हम ऑयल लेंगे 200 ग्राम, 200 ग्राम हमने ऑयल लिया है जी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओनियन डालेंगे, प्याज को हमने जो है ऑयल में भूनना है, इसको हमने गलाना है, इसको कलर नहीं आना चाहिए, जो हम पुलाव के लिए ब्राउन सा कलर लेके आते हैं ओनियन का, वो नहीं आना चाहिए, जस्ट हमने इसको गलाना है। लाइट ब्राउन हो चुका है, ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। गार्लिक इसमें जाएगा जी 1 tablespoon, और साथ ही हम इसमें जिंजर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ 1 tablespoon। दोबारा से हम जो है इसको भूनेंगे, जिंजर और गार्लिक भी हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो है टमाटर शामिल कर देंगे, ठीक है, टमाटर को थोड़ा सा भूनने के बाद हमने क्या करना है, इसमें स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करने हैं, जो पाकिस्तानी स्पाइसेस होते हैं, टमाटर को हमने थोड़ा सा भून लिया है, अब हम इसमें जो है स्पाइसेस शामिल करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर है, सुरख मिर्च ये हम डालेंगे 2 tablespoon, हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें 1 tablespoon, साबुत जीरा इसमें डालेंगे 1 tablespoon, सॉल्ट इसमें जाएगा 1 tablespoon। ये हम सिर्फ अभी ग्रेवी बना रहे हैं, बाद में जो है हम जो डिश जो है हमारी चिकन हांडी बनाते वक्त मज़ीद उसमें जो है कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगा ताकि जो है ये नीचे ना लगे। ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है, हमारा ऑनियन और प्याज जो है वो गल चुके हैं, अब हमने इसको करना है ग्राइंड। ग्रेवी जी हमारी ग्राइंड हो चुकी है, ठीक है, अब हम जो है प्रॉपर हम अपनी जो डिश है उसको कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे। उसके लिए हम दोबारा से ऑयल चाहिए होगा, हाफ के जी हम ऑयल लेंगे, गार्लिक हम दोबारा से इसमें शामिल करेंगे 1 tablespoon, लहसुन को हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेने, क्या हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, ठीक है, अब हमें इसमें चिकन शामिल करने हैं 3 kg, तो हमने चिकन लिया था डाइस कटिंग में, हमने इसको काटा हुआ कि इस साइड से, ठीक है, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अब हमने इस ऑयल में जो है
वो फ्राई करना है। हाँ वो फ्राई हो चुका है इसमें, अब हम जो है मज़ीद इसमें स्पाइसेस जो है वो शामिल करेंगे। साबा ज़ीरा वो हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च इसमें जाएगी 1.5 टेबल स्पून, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो हम इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च वो हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी। इसको हम जो है दोबारा से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जो हमने मसाले इसमें शामिल किए, ऐसे हमने भून लिया इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो ग्रेवी बना के हमने इसको ग्राइंड किया था, वो हम इसमें ऐड ऑन करते हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है इसका। अब हमने पानी खुशक होने तक इसको भूनना है, जब पानी खुशक हो जाएगा फिर हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे और दोबारा से इसका पानी खुशक करेंगे। पानी तकरीबन खुशक हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है इसमें दही शामिल कर देंगे, योगर्ट हमने लिया है दही 600 ग्राम, ठीक है जी। 600 ग्राम हम इसमें दही शामिल कर दिया है। अब हम जो है काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे, पाउडर हमने नहीं डालना, दादर से हमने काली मिर्च इसमें शामिल करनी है 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्च इस वजह से हमने थोड़ी आखिर पे डालनी है ताकि जो है हमारे खाने की रंगत को ये ब्लैक ना करे। अब मज़ीद जो है अब हम इसका पानी खुशक होने तक इसको पकाएंगे। चिकन का पानी जो है तकरीबन खुशक हो चुका है और इसे ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने गार्निश काटी है जो पाकिस्तानी गार्निश पाकिस्तानी खानों में यूज़ होती है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है और बारीक कटा हुआ अदरक है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा जो है मैं इसमें भी शामिल कर दूँगा, इससे क्या होता है कि ये जब ये बीच में पकता है तो उससे फ्लेवर जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल कर दूँगा। सबसे आखिर पे क्या करना है, क्रीम वो लेनी है हमने 1 पैकेट 200 मिलीलीटर का, ठीक है, वो इसमें शामिल कर देनी है। और सबसे आखिर में धनिया पाउडर खुशबू के लिए वो हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। इसको अब हमने 4 से 5 मिनट पकाना है, जब ये ऑयल छोड़ देगा तो हमारी हांडी जो है वो रेडी हो चुकी है। जी व्यूअर्स, चिकन हांडी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जो है इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, सर्विंग करेंगे हम इसकी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है, टेक्सचर जो है वो इसका देखने वाला है। Stop, 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 stop